अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। DHA वैली एंड रिंग रोड, गुड न्यूज़। आज के दिन DHA वैली की भी हमारे पास अच्छी खबर है और आज के दिन रावलपिंडी रिंग रोड की भी अच्छी खबर है। सबसे पहले DHA वैली से शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि DHA वैली अपनी जल्द रीबैलेटिंग करेगा, थर्ड रीबैलेट, और जिसका हम बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। 2017 में होम्स बैलेट हुए, 18 में रेजिडेंशियल बैलेट 1 हुआ, 19 में रेजिडेंशियल बैलेट 2 हुआ, और उसके बाद से इंतज़ार में रह गए कि रेजिडेंशियल बैलेट 3 कब होगा और कमर्शल्स की बैलेटिंग कब होगी। वेल, हमारे पास रिसेंटली न्यूज़ ये आई है कि कल DHA ने रीबैलेट अपना किया, और वो भी तकरीबन 1116 रेजिडेंशियल प्लॉट्स 5 मरलों का किया और रीबैलेट हुई। और ये रीबैलेट सिर्फ और सिर्फ फ़र्स्ट अलॉटीज़, यानी वो लोग जिन्होंने ना तो अपने नाम का ओपन सर्टिफिकेट बनवाया था, ना मार्केट के अंदर कभी ट्रेड की थी फाइल, ना कभी सेल की थी, वो लोग जो इंतज़ार में थे 2008 से कि DHA वैली का कुछ ना कुछ बनेगा, इस इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी फ़ाइल्स के ऊपर सरचार्ज कितना था या उनकी ज़िंदगी के क्या मामला थे, उन लोगों ने सब्र किया और सब्र का फल फाइनली मीठा है। उन लोगों ने इंतज़ार किया और उनको अब थर्ड बैलेट के अंदर कंसिडर होते हुए 21 दिसंबर को, जो कि रीबैलेट हुई, कुछ अफेक्टीज़ के ग्रुप्स भी उसके अंदर शामिल थे, और उनकी मदद से और अल्लाह की मदद से फाइनली थर्ड बैलेट हुई और इसके अंदर 1116 प्लॉट्स कंसिडर हुए। तो सबसे पहले हम उन लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि मुबारक हो, आप लोगों के प्लॉट्स कंसिडर हो गए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली DHA जल्द ही अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर देगा और आप अपने बैलेटेड प्लॉट्स को चेक कर सकेंगे। लेकिन याद रखें, ये ना तो ओपन सर्टिफिकेट्स की रीबैलेट है, ना कोई ऐसी फ़ाइल्स की अगर आपने किसी से ख़रीदी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ वो फाइलें हैं कि अगर आपने 2008 से एज फर्स्ट अलॉटी कोई 5 मरले का प्लॉट होल्ड किया हुआ है, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बैलेट के अंदर मोस्ट प्रॉबली कंसिडर हो गए हैं 1116 प्लॉट्स के अंदर। फिर साथ ही साथ में ये खबर भी आई कि मार्च के अंदर, हम जैसे हम पहले कह रहे थे मुतअद्दिद वीडियोस के अंदर, कि मार्च के अंदर थर्ड बैलेट एक्सपेक्टेड है, जिसके अंदर 5 मरला, 8 मरला, ओपन फाइल्स, ट्रांसफरेबल फाइल्स, लो सरचार्ज, और या फिर सरचार्ज पेड या कुछ वेव्ड ऑफ लो सरचार्जेस के साथ फाइल्स कंसिडर की जाएंगी, और उसके अलावा 1250 यानी 1250 कमर्शियल प्लॉट्स कंसिडर किए जाएंगे। तो उस चीज़ का इंतज़ार अभी डेफिनेटली है और इंशाल्लाह जल्द हम उम्मीद करते हैं कि मार्च के अंदर ये बैलेटिंग होगी और इंशाल्लाह आप तमाम लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होगा। लेकिन DHA वैली वालों को सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा प्लॉट मिलने, बैलेट होने, कब्ज़ा मिलने से नहीं है। DHA वैली वालों को फ़ायदा डेफिनेटली कनेक्टिविटी बन जाने से भी है कि हम ये अब देख रहे हैं कि बोगनविला का एक नया रास्ता DHA वैली को एंटर करेगा और लोगों को एक थर्ड एंट्रेंस मिलेगी DHA वैली के लिए, बोगनविला, ओलिएंडर और डेफिनेटली ब्लू बेल से एग्जिट करके DHA फेज 6 के अंदर, और DHA फेज 6 से इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, ये 3 एंट्रेंसेज हैं। उसके अलावा यहाँ पर आने वाले वक्तों के अंदर, जैसे ही आप लोगों के पास इस पे पोजेशन होगा, धदोचा डैम एक ऐसा बड़ा वाटर रिजर्वॉयर होगा। जैसे लोग रावल डैम के आसपास रहते हैं, इसी तरीके से धदोचा डैम के भी आसपास रहेंगे और उससे डेफिनेटली आप तमाम लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर उसके अलावा एक न्यू रूट जो कि कोटली सतियाँ और मरी की तरफ जाएगा, बिल्कुल इससे आगे शाहबाग के आगे एक एरिया है और वहाँ से ये नया रूट निकाला जाएगा, तो उससे भी डेफिनेटली आप लोगों को फ़ायदा होगा। यानी एस सच DHA वैली के ऊपर इस रूट का कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर कनेक्टिविटी के लिए आपको अगर मरी जाना है घूमने फिरने के लिए, तो ऑल द वे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से होते हुए और दोबारा मरी रोड से होते हुए मरी का रुख नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और फिर फाइनली जो हमारा सेकंड खुशखबरी थी, रावलपिंडी रिंग रोड, आज फाइनली रावलपिंडी रिंग रोड का, अभी पिछले दिनों हमें पता था कि भाई 25 दिसंबर को उसकी इनॉग्रेशन हो रही है और कोई बहुत सारा लोगों को उसके अंदर फ़ायदा होना है, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने कहा कि जो 25 दिसंबर को हमने इनॉग्रेशन करनी थी, ज़रा उसके अंदर ज़रा सब्र करें, हम उसके ऊपर ज़रा और सोचते हैं। और फिर कल की तारीख में इन्होंने कहा कि भाई 21 दिसंबर को कि हम इसको एक कमेटी है, ECNEC एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, हम इनको ये दे देते हैं, ये डिसाइड करेंगे कि वेदर ये रिंग रोड, लई एक्सप्रेस वे और माँ बच्चा हॉस्पिटल बनेगा या नहीं बनेगा। ये वो नए प्रोजेक्ट्स थे जो रावलपिंडी को और इस्लामाबाद को एक नया रुख दे देंगे, एक नया फ्यूचर दे देंगे और डेफिनेटली गेम चेंजर साबित होंगे।
और फिर फाइनली डेफिनेटली हम ये जानना चाहेंगे कि ये एक्निक है क्या चीज़, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल करती क्या है, और ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जो कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं फेडरल और प्रोविंशियल, और उसको कितना बजट अप्रूव करना है, उसको क्या मैक्सिमम लिमिट होगी, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इसको इशू करेगा और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव इसके अंदर फर्दर हेल्प आउट करेंगे, और ये तमाम ये डिसाइड करते हैं यानी ये प्लान्स को इनिशिएट कैसे करना है, किस वक्त पे इनिशिएट करना है और इसके अंदर क्या बजट लगेगा, ये एक्निक ये डिसाइड करती है बैठ के। तो फाइनली आज इनका इजलास हुआ और फिर शेख रशीद साहब ने एक बड़ा, उन्होंने कहा मैं उसे कल का भी इंतज़ार कर रहा था इसके लिए, लेकिन चलें आज ही आपको बता देता हूं कि गवर्नमेंट ने लई एक्सप्रेसवे को भी अप्रूव किया, एक्निक ने लई एक्सप्रेसवे को भी अप्रूव किया, माँ बच्चा हॉस्पिटल को भी अप्रूव किया और फाइनली रिंग रोड रावलपिंडी को भी अप्रूव कर दिया है। सो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़। और रिंग रोड रावलपिंडी के ऊपर 30 अरब रुपए का इनिशियल लागत आएगी और ये अप्रूवल के बाद अब हम इंशाल्लाह वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्चुअली इसको कब अनाउंस करेगी और कब उसकी एक ओपनिंग सेरेमनी या पहला उसके ऊपर एक्सकवेशन कब होगी। तो मैं हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो। और वो तमाम लोग जो जैसे ही पता चला कि भाई रिंग रोड बन रही है नहीं बन रही तो फौरन लगा देते हैं जी रिंग रोड कैंसल्ड और ये पीटीआई ऐसे नहीं काम कर सकती या गवर्नमेंट ऐसे नहीं काम कर सकती या ये पहले भी इसके अंदर फ्रॉड था या अब भी इसके अंदर कोई इस तरीके के मामलात हैं। देखें बात ये है कि हमेशा एक चीज़ को बड़ा कंपाउंड स्टाइल में आप उसको देखा करें या पूरी बातचीत को देख करके रिंग रोड बननी भी है या आया नहीं बननी या क्यों ये गवर्नमेंट बनाना चाहती है या आप लोगों को या पिंडी शहर को इससे क्या फ़ायदा होगा। कोई बना सकता है या नहीं बना सकता, डेफिनेटली गवर्नमेंट सब कुछ बना सकती है जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को बनाने के ऊपर आती है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास बंदा ही आके किसी चीज़ को बनाएगा और वो नहीं होगा तो दुनिया में काम ही नहीं चलेगा या वो नहीं होगा तो पाकिस्तान में काम ही नहीं चलेगा। कोई भी कुछ कोई चीज़ बना सकता है जिसको उस चीज़ की पोजीशन मिले। तो कभी भी इन बातों के ऊपर यकीन ना करें कि डेफ़िनेटली कि रिंग रोड नहीं आ रही तो बस चलो जी नहीं आ रही तो अब सब डूब जाएगा। अब यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी या रूडन इनक्लेव के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अब हम जाएंगे आगे किंगडम वैली या किसी और ऐसी हाउसिंग सोसाइटी की तरफ क्योंकि यहाँ पर रिंग रोड नहीं आ रही। लेकिन एक बार ट्रैवल करके देखें कि दूर दराज की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो आपके शहर से आपकी अप्रोच से आप जिन सड़कों के ऊपर नॉर्मली जा सकते हैं उनसे कितनी दूर है। बहुत आसान है ज़िंदगी गुजारना DHA के अंदर बहरिया टाउन के अंदर, लेकिन किसी दूर दराज सोसाइटी के अंदर जिसको आप कनेक्ट नहीं करते, जिसके पास कोई करीबी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, जिसके पास एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या कोई अच्छा बड़ा बस अड्डा नहीं है या फिर जिसको अच्छी रोड नहीं कनेक्ट करती या यहाँ जहाँ पे टैक्सीज या इस तरीके के मामलात आपको नहीं मिलते यानी कोई भी येलो कैब्स या करीम या उबर आपको नहीं मिलता, तो किसी ऐसी सोसाइटी की तरफ ना जाया जाए, किसी ऐसी तरफ जाया जाए कि जिसको रोड कनेक्टिविटी होती है। बिकॉज रोड्स आर आर्टरीज एंड दे बिग आर्टरीज ज़्यादा खून की सर्कुलेशन और बिग रोड्स ज़्यादा ट्रैफिक की सर्कुलेशन में आपको हेल्प आउट करती हैं। सो ये अच्छी खबर थी आज DHA वैली के लिए, ये अच्छी खबर थी आज रावलपिंडी रिंग रोड के लिए और ये अच्छी खबर थी आप तमाम लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ पे इसके गिर्दोनवा के अंदर या DHA वैली के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपको आपकी तमाम इन्वेस्टमेंट्स के अंदर फ़ायदे हों। और इसी वीडियो को हम इख्तिताम करते हैं, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इन वीडियो को आप फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर भी देखें और डेफ़िनेटली दुआ करें कि ज़ुहेब भाई इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब हों और हमारे पास जल्द वापसी करें ताकि कोई वीडियो के अंदर टोकने वाला भी मौजूद हो। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम।